सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने बताया कि शनिवार को दोपहर में रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र के नौकायान पर दो पक्षों में गाड़ी टक्कर को लेकर मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान अंकित यादव पुत्र महेंद्र यादव निवासी रानीबाग थाना रामगढ़ ताल तथा दूसरा सियाराम सैनी पुत्र महेश सैनी निवासी मलाव थाना बेलीपार के रूप में हुई है, जिसमें इन लोगों के पास से एक स्विफ्ट कार तथा एक बुलेट को बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि दोनों गिरफ्तार अभियुक्तों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है तथा चार और व्यक्तियों को इस प्रकरण में गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनको कल जेल भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि दो व्यक्तियों के नाम और सामने आ रहे हैं, उनको भी जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने कहा, मारपीट से ना सीएल का प्रमुख और सब जेल चलेगा, अब दो तीनों गाड़ी मुकदमा। दोपहर में थाना रामगढ़ ताल क्षेत्र में जो नौकायन के पास में दो लोगों की जो प्रारंभिक रूप से बात आई कि गाड़ी को लेकर कहासुनी हुई, उसके बाद में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया, इसका एक वीडियो वायरल हुआ। इस संदर्भ में कल ही दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था, बाद में रात्रि में दबिश देकर चार लोगों को और पकड़ा गया है। इनमें जो भी गाड़ी, इनकी एक स्विफ्ट गाड़ी, एक एसयूवी गाड़ी है, उसको बरामद किया गया, एक बुलेट गाड़ी प्रयोग हुई थी उसको बरामद किया गया है, और पुलिस की तरफ से इसमें बलवा और 7CL एक्ट का मुकदमा लिख के दो लोगों को जेल भेजा गया है। चार लोग आज गिरफ्तार किए गए, जिनको कल जेल भेजा जाएगा, और इसमें दो चार लोग जो और भी सम्मिलित हैं उनके भी नाम प्रकाश में हैं, उनको भी गिरफ्तार करके शीघ्र ही जेल भेजा जाएगा। ये सामान्य रूप से एक्सीडेंट हुआ, यद्यपि रहने वाले वहाँ के दूर से थोड़ी जान पहचान भी थी, गाड़ी में थोड़ी सी खरोच हुई, वहीं से बात आगे बढ़ी, फिर बात आगे बढ़ते चली गई। दोनों पक्ष जो है रामगढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो कुल मिला के छः लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, बाकी लोग जो हैं उनके भी नाम प्रकाश में ला दिए गए हैं, उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी करके उनको भी जेल भेजा जाए। सब अभी लड़के हैं, कोई बहुत विशेष उम्र के नहीं है, सब लड़के ही लोग ही हैं, अभी कोई मतलब विशेष कोई कार्य नहीं करते हैं।